तालाब के आता है कोटा से। एक ऐसा गांव जहां आज भी चिमनी की रोशनी में लोग अपना गुजारा करते हैं। रात के सन्नाटे में कोई चहल पहल नहीं होती, हर ओर दिखता है तो सिर्फ अंधेरा। लेकिन कुछ दिनों से वीरान पड़े रहने वाले इस गांव में चहल पहल की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। वजह है चुनाव। हर चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव में कोरे आश्वासन के साथ नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। जानवर से भी बदतर जर्जर है। यहाँ के गरीबों को, महादलितों को रहने का आवास नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली का साधन नहीं। बाप दादा गुजर गया, सुंदरपुर में कुछ नहीं हुआ। मित्रों के विश्वास को भी गहरा सदमा लग सकता है, क्योंकि विकास नहीं विनाश के साए में यहाँ के ग्रामीण रहने को मजबूर है। चंद पैसों की कमाई के लिए दूर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं, तब जाकर उनका पेट पलता है। आपको मालूम है कि क्या इस गांव के लोगों का गुनाह क्या है? ये दलित गांव है जिसके घर का लोग पानी तक नहीं पीते। नाम भले ही सुंदरपुर है, लेकिन यहाँ के लोगों की सुंदरता ओझल हो चुकी है। न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है और न काम है। गांव के लोग मवेशी भी नहीं पालते, क्योंकि उन्हें ही खाने के लाले हैं, तो मवेशियों को कहाँ से खिलाएंगे? जेठ बैसाख में पानी पीने के लिए यहाँ भी मरुवत है। इसी के चलते हम अपना गांव में जानवर नहीं पोसते हैं। काहे नहीं पोसते हैं कि अपना पेट पानी पीना तो मिलवे नहीं करते हैं आदमी को, तो जानवर के कहाँ से पानी पिलाएंगे? पानी है ही नहीं तो कल है तो एक कल पर कितना नहाए धोएंगे? बिगड़ जाता है तो बहुत दूर से पानी लाते हैं। सरकार विकास के ढोल कितने भी पीट ले, लेकिन इसकी गूंज अब तक सुंदरपुर तक नहीं पहुंची है। अब देखना होगा कि क्या सुंदरपुर क्या कभी सुंदर हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ इंडिया न्यूज। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात। अर्थ इंडिया न्यूज के साथ देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।